नमस्कार, मैं निकिता वर्मा, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आईजीएमसी में 600 स्टाफ नर्स की होगी तैनाती। सीएम सुक्खू बोले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बजट की नहीं है कमी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी शिमला में 600 स्टाफ नर्स और 45 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की शीघ्र तैनाती होगी, ताकि रोगियों को समय पर उचित उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को बहुत अधिक प्रचलित बीमारियों पर अध्ययन करने का निर्देश दिया, ताकि डॉक्टरों और अन्य सुविधाओं को आवश्यक अनुपात में बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और सहायक स्टाफ के लिए कार्यस्थल पर बेहतर माहौल उपलब्ध करवाया जा रहा है, इससे वे बिना बाधा दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे। प्रदेश के लोगों को आधुनिक और बेहतर तकनीकी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। सरकार आईजीएमसी में उपकरणों और मशीनों की खरीद के लिए 25 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री ने शिमला में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हिमाचल सरकार मेडिकल कॉलेजों में रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।